गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं। वह, उन्होंने, उसे, उसने, ये सब क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। हम तुम कल घूमने चलेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? इन वाक्यों में हम, तुम और तुम्हारा आदि शब्द सर्वनाम हैं, जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के विषय में बता रहे हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है, उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा बोलने वाला अपने लिए करता है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, तुमसे कुछ काम था, तुम कहीं जा रहे हो। अन्य पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे इनसे कहिए अपने घर जाएं, उसे कुछ मत कहो आदि वाक्य जो है अन्य पुरुष को संबोधित करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ कोई, कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वहाँ कौन खड़ा है, तुम कहाँ रहते हो। इन वाक्यों में कौन, कहाँ सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है वो खोता है। अब यहाँ जो सोता का वह खोता से संबंध है, जो जीता वही सिकंदर, जो से वही का संबंध है। तो सर्वनाम का, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से जो संबंध प्रकट होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम,
खुद और स्वयं को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, तुम मुझे दो मैं स्वयं कर लूँगा, तो ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे सर्वनाम लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।